हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा गुरुकुल कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत आज बीएड फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे। और बीएड फर्स्ट ईयर में हमारे जो पेपर का नाम है, उसका नाम है अधिगमकर्ता के रूप में विकास, यानी कि ग्रोइंग अप एज ए लर्नर, जिसका पेपर कोड है E103। सो गाइस, हम अपनी थर्ड यूनिट में अध्ययन कर रहे हैं। अपने इसी पेपर के अंतर्गत हमने अपनी थर्ड यूनिट में इससे पहले अधिनियम की संकल्पना, प्रगति एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन किया। सो हम आज अपने नए चैप्टर में अध्ययन करेंगे, और जो हमारा नया चैप्टर है वह है अधिगम सिद्धांत। यानी कि कौन सा है, थर्ड यूनिट के अंतर्गत अधिगम सिद्धांत। हम अपना ऐसे टॉपिक मान ले या फिर नया चैप्टर मान ले, हम आज अधिगम सिद्धांत के बारे में ही अध्ययन करेंगे। सो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। शिक्षा बालक के विकास की प्रक्रिया है। विकास की इस प्रक्रिया में अधिगम का सर्वाधिक महत्व होता है। यानी कि जो शिक्षा है वह क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि बालकों के अंदर जो नीच गुण होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है और बालकों का विकास किया जाता है। तो और विकास की इस प्रक्रिया में जो उसके जो विकास होता है, उसकी जो यह प्रक्रिया है, उसमें अधिगम का सर्वाधिक क्या होता है, महत्व होता है। विशेषकर मानसिक पक्ष का विकास करने के लिए वांछित अनुभव को प्रदान करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम मानसिक पक्ष का विकास करेंगे तो उसके जो अंदर जो वांछित पक्ष है उनको बाहर निकालना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम बालक के अंदर की बातें नहीं समझ पाएंगे तो बालक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी नहीं कर सकते हैं। इन अनुभव के आधार पर ही अधिगम करके ही बालक के विकास की प्रक्रिया को संपन्न कर पाना संभव होता है। यानी कि जब तक बालक किसी भी काम को सीखेगा नहीं, अधिगम नहीं करेगा, तो उसकी जितनी भी प्रक्रिया है वह संपन्न नहीं हो पाएगी। अधिगम के द्वारा ही उस वह कार्य संपन्न किया जाना संभव हो सकता है। इस प्रकार अधिगम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है। इस महत्व को ध्यान में रखते हुए ही विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का विकास किया गया है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत जो है वह निम्न है। कौन से है, यानी कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, जो अधिगम है उसके जो प्रमुख सिद्धांत है कौन कौन से है। नंबर एक है थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। कौन सा, नंबर एक थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। नंबर दो है पेवलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। नंबर तीन स्पिनर का सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और गैस्टाल्ट का समग्रातृप्ति सिद्धांत, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। गैस्टाल्ट का कौन सा है, नंबर चार
समाधानुपाती सिद्धांत। अब लेविन का है संज्ञानात्मक अवक्षेत्र सिद्धांत, नंबर 5 है। संज्ञानात्मक अवक्षेत्र सिद्धांत ये 5 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि अधिगम के प्रमुख सिद्धांत है। यह सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने लिए है और इनका अपना एक अलग ही हिस्ट्री है, यानी ये 5 सिद्धांत के। सो गाइस, हम आज के अपने इस टॉपिक के अंतर्गत थान टाइप का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत 1813 में। इसका प्रतिपादन 1813 में किया गया। थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को अनेक नामों से पुकारा जाता है। जो थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, इसका जो प्रतिपादन थार्नडाइक महोदय ने किया था वह सन 1913 में किया गया था और इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता है। यह आपका टैट में, सुपर टैट में और सी टैट में या रीट में हर एग्जाम परीक्षा में सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चन आते हैं और यही पूछा जाता है कि कौन सा सिद्धांत किसका है, कब हुआ, कहां हुआ, किसने किया, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। सो गाइस, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इसको देखना। तो जो थार्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत था उसका प्रतिपादन 1913 में थार्नडाइक के द्वारा किया गया था और इसको अन्य नामों से जानते हैं, यानी कि इसके जो अन्य नाम है, इसके अन्य नाम भी निम्न है, यानी कितने हैं, निम्न है। जैसे कि नंबर 1, इसी को किस नाम से जानते हैं, पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि एवं भूल का सिद्धांत। नंबर 2, यानी कि ट्रायल एंड त्रुटि का सिद्धांत, यानी कि बालक बार बार प्रयत्न करता है, भूल करता है, फिर सीखता है, यह इस प्रकार से है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि इसे किस नाम से जाना जाता है, ट्रायल एवं यानी कि एरर थ्योरी। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि इसी को और क्या कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। ये बात तो हमने सारे ऊपर लिख की भी है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी और सीखने संबंधी का सिद्धांत, यानी कि नंबर 3 पर है सीखने संबंधों का सिद्धांत। सीखने संबंधों का सिद्धांत और नंबर 4 है नेट संबंधवाद का सिद्धांत।
यह चारों चारों पूरी हार्ड ड्राइव में हो जाती है। इसलिए हार्ड ड्राइव की है और जो थाना महोदयगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यह है और इन नामों से जाना जाता है, यानी कि गोल एवं पर्यटन का सिद्धांत। सो कभी भी किए क्वेश्चन आता है कि जो सीखने संबंध का सिद्धांत है किसका है, हार्ड ड्राइव का है, या संबंधवाद का सिद्धांत किसका है, हार्ड ड्राइव का है, और आपका पर्यटन एवं गोल का सिद्धांत किसका है, हार्ड ड्राइव का है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसका है, हार्ड ड्राइव का है। ये चारों चारों सिद्धांत हार्ड ड्राइव थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई मनुष्य कुछ सीखता है तो उसके सामने एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति होती है, यानी कि जो थॉर्नडाइक महोदय है वह इस बात को कहते हैं कि मनुष्य जब भी कुछ सीखता है तो उसके सामने क्या आती है, एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति आ जाती है। यह परिस्थिति ही उसे किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है तथा उद्दीपन के परिणाम को अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि वह जो परिस्थिति सामने आती है वह ऐसी परिस्थितियां होती है कि मनुष्य उसके प्रति कोई ना कोई अनुक्रिया करता है, यानी उस परिस्थिति से निकलने के लिए कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता है। अब मान लीजिए कि मुझे भूख लगी है, मेरे सामने क्या है, मुझे एक लंबा सफर तय करना है अपने जीवन का, लेकिन मुझे भूख लग रही है, मेरे सामने एक परिस्थिति आकर खड़ी हो गई, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए, यानी कि उस परिस्थिति के लिए किसी ना किसी प्रकार की कोई अनुक्रिया करूंगा जिससे कि मुझे भोजन की प्राप्ति हो, मैं भोजन को खाऊं और मैं अपनी भूख को शांत करूं। इस प्रकार एक उद्दीपन का किसी अनुक्रिया के साथ संयोग ही उद्दीपन अनुक्रिया संबंध यानी कि आरएस बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। इसके नाम से आरएस बॉन्ड, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि आरएस बॉन्ड किसका है, यानी कि यह बात किसने कही, तो यह भी थॉर्नडाइक ने की। यानी कि जो कोई सामने परिस्थिति आती है उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं तो उसी को आरएस बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रूप में जाना जाता है, जिसको हम उद्दीपन अनुक्रिया संबंध आरएस बॉन्ड कहते हैं। अधिगम के सिद्धांत का संयोजनवाद के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यानी कि जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, इससे संयोजनवाद से। यह संयोजनवाद के नाम से भी जाना जाता है। एल्ड्रेन के द्वारा संयोजनवाद के इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की गई है, संयोजनवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि सभी मानसिक प्रक्रियाओं, परिस्थितियों और अनुक्रियाओं के मध्य भूल मूल या अर्जित कार्य सम्मिलित होते हैं। यानी कि जो हमारे रैन महोदय हैं, एल रैन महोदय हैं, वह इस बात को कहते हैं कि संयोजनवाद के इस सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि संयोजनवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि सभी मानसिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं और अनुक्रियाओं के जो मध्य मूल या अर्जित कार्य सम्मिलित होते हैं। सो गाइस, हमने जो थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत था, हमने अधिगम के सिद्धांत है उनके बारे में जाना, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए जो अधिगम सिद्धांत है उनके बारे में जाना, और हमने थॉर्नडाइक का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत था वह कब पारित हुआ था और इसे किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में जाना। हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। कल हम जो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है और इस प्रयोग से निम्नलिखित जो तत्वों का जो ज्ञान होता है उनके बारे में अपनी नई वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।